तो लॉकडाउन में मैंने देखी तमिल लैंग्वेज में बनी यू टर्न, जिसकी लीड कास्ट में थे समांथा रूथ प्रभु और भूमिका चावला। क्योंकि घर में बंद था तो मैं क्या ही कर सकता था। खैर, एक रीज़न और भी थी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मूविंग ऑन, जब मैंने यू टर्न 2023 का ट्रेलर देखा तो मुझे यू टर्न रिकॉल हुई और मैंने मन बना लिया कि यार इस साल तो कम से कम मैं रीमेक नहीं देखूंगा। लेकिन फिर मैंने देखा अल्लाया का इंटरव्यू, तो सोचा लेट्स गिव इट ए ट्राई। और फाइनली मैंने देखी यू टर्न, जिसके लीड कास्ट में हैं अल्लाया, पियांशु और राजेश शर्मा। तो बात करते हैं मूवी की। मूवी बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है उन लोगों के दिमाग के साथ जो पहले यू टर्न की मूवीज़ देख चुके हैं। सब कुछ हमारी नाक के नीचे हो रहा होता है और हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते पा रहे थे क्योंकि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद। अगर बात करूँ एक्टिंग की तो राजेश शर्मा जी के अलावा मोस्टली एक्टर्स न्यू थे और उनके कंधों पर एक मूवी का बोझ था, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपने रोल को जस्टिफाई किया। ख़ास तौर पर प्रियांशु और अल्लाया ने क्लाइमेक्स तक आपको यही लगता है कि मूवी हूबहू कॉपी है बाकी के रीमेक्स की तरह, लेकिन क्लाइमेक्स में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से सब नज़रिया चेंज हो जाता है। मूवी में थोड़े बहुत प्लॉट होल्स हैं जिसको मूवी क्लाइमेक्स में एंटरटेन नहीं करती, स्टिल बॉलीवुड के फ्लॉप्स के दौर में इट्स अ गुड मूवी टू वॉच। यू टर्न की ओरिजिनल मूवी में सुपर नेचुरल एंगल दिखाया गया था जिसमें विक्टिम की फैमिली को एट द एंड एक हद तक इंसाफ मिल जाता है, लेकिन बॉलीवुड के यू टर्न में दिखाते हैं कि इट्स अ साइकिल ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं कर रहा। मूवी इंटरेस्टिंग है, मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर मिस्ट्रीज मोस्टली वन टाइम वॉच होती हैं क्योंकि जब एक बार राज खुल जाता है तो उसके बाद स्टोरी सेकंड वॉच में आपको पकड़ कर नहीं रख पाती। एक्टिंग अच्छी थी लेकिन न्यू स्टार कास्ट होने की वजह से कुछ पॉइंट्स पर मजीद बेहतर हो सकते थे, जिसमें मैं एक्टिंग में दूंगा अराउंड 3 स्टार्स। कुछ सीन्स सीधे सीधे कॉपी पेस्ट हैं और कुछ ओरिजिनल हैं, और जो ओरिजिनल हैं उनको इतनी नफासत से नहीं किया गया कि उनका शायद ज़्यादा इम्पैक्ट आ पाता। स्टिल मैं डायरेक्शन को दूंगा 2.5 स्टार्स। अगर आपने मूवी देखी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।